मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि व्यास व पार्वती नदी के संगम स्थल एक पवित्र स्थान है और इसे विकसित करने के लिए मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। वे देर सायं इन नदियों के संगम स्थल पर महाआरती के दौरान बोल रहे थे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि भविष्य में हरिद्वार की आरती की तर्ज पर व्यास आरती का आयोजन किया जाएगा ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि इस कार्य से बड़ी योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटन के साथ रोजगार के साधन भी सृजित हो सके। भुंतर में जो हमारा व्यास पार्वती का संगम स्थल है, ब्राह्मणों द्वारा जो आरती की गई और ऐसे में जो एक प्रयास हमारी सरकार का था, प्रशासन का था, वो प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है। व्यास पार्वती का संगम स्थल है ये उभर के आया है और आने वाले वक्त में हमारे जो सरकार के प्रयास हैं, हमारे जो प्रशासन का सहयोग है, हमारे जो यहाँ पे नगर परिषद है, पंचायतें हैं, सभी मिलकर हम इस स्थल को बहुत खूबसूरत बनाएंगे और ये जो हमारी धार्मिक आस्था का स्थल यहाँ पे संगम स्थल है इसे बहुत खूबसूरत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और आने वाले वक्त में ये जो है धर्म का आस्था का केंद्र तो होगा ही होगा लेकिन पर्यटन के रूप में बहुत बड़ा स्थल होगा।